हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल धमाल अंकित में। आज हम आपको बताने वाले हैं जो साइकिल का रिम होता है उसमें आप जाल किस तरीके से और कैसे घेर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक साइकिल का रिम की फट्टी है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये जो रिम है ये अगला रिम है। अगला रिम की क्या पहचान होती है, इसमें जो है 32 छेद होते हैं दोस्तों, और जो पिछला रिम होता है उसमें 40 छेद होते हैं दोस्तों। और दोस्तों अब जो आ रही है उसमें आप देख लीजिए, जो अगला रिम होता है जो नई साइकिल आ रही है उसमें 40 छेद भी होते हैं दोस्तों जो अगला रिम होता है, और पिछले में भी 40 छेद होते हैं दोस्तों, और 36 छेद का भी रिम आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हमारा रिम है ये 32 छेद का है, इसमें 32 स्पोक का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमारा रिम है, और इसे आपको फर्श पे इस तरीके से रखना है। फर्श बिल्कुल सीधा बढ़िया होना चाहिए फ्रेश। और देख लीजिए यदि आपका जो रिम है वो किसी साइड से उठ रहा है नीचे की साइड से, तो आपको क्या करना होगा, रिम में पटकी मारनी होगी। रिम में पटकी मारने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको दो पैर रखना होगा, एक इंगे और दोनों हाथों की सहायता से इस तरीके से उठा के और छोड़ देना है। इससे क्या होगा, रिम की जो बनावट है वो और सीधी हो जाएगी और आपका जो रिम है वो सीधा रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारा ये जो हब है, हब में हमारे ये स्पोक है दोस्तों। जो हब होता है इसमें भी 32 छेद होते हैं और इसमें भी 32 स्पोक का उपयोग होता है। तो दोनों में 32 छेद होते हैं हमारी रिम की फट्टी में भी और जो हमारा हब है उसमें भी दोस्तों। तो अब आती है जाल घेरने की बारी। रिम में जाल हम किस तरीके से घेर सकते हैं घर पर ही आसानी से बिना किसी मिस्त्री की सहायता से दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको ये स्पोक कर लेने हैं, जैसे कि हमने रिम में जाल डालने के लिए दोस्तों आपको जो है इस जो हमारे हब में स्पोक है उन्हें सीधे कर लेने हैं दोस्तों। स्पोक हमारे बिल्कुल सीधे होने चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास कुछ निपिल हैं दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये इसके वार्सल है। जो निपिल और जो वार्सल है दोस्तों, जो स्पोक का हम बुरुस लेते हैं उसकी गहलाते हैं, अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप स्पोक भी ले रहे हैं 32 तो आपको गैल जो ये हमारे निपिल है ये मिलेंगे, आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई अलग से दे रहा है तो आप उससे कहिए जो स्पोक है इनकी गैली हमें निपिल मिलते हैं हमें पता है, तो आप इनकी गैली दें, हम अलग से इनका पैसा नहीं देंगे। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से वार्सल है, जो मुड़ी हुई साइड है ये नीचे रहनी है, जो उभरी हुई साइड है ये ऊपर रहनी है दोस्तों। तो इसी तरीके से आपको इसमें डाल लेना है वार्सल निपिल में, और आपको ये देख सकते हैं इसी तरीके से आपको 32 निपिल बनाने हैं, 32 निपलों में वार्सल बनाना है इसी तरीके से। जब आपके 32 हो जाए आप बिन लीजिए, और उसके बाद हम आपको बताएंगे आप इसमें जाल किस तरीके से लगाएंगे दोस्तों। देख सकते हैं हमारे जो है 32 निपिल तैयार हो चुके हैं वार्सल लग के। अब बारी आती है जाल की दोस्तों। जाल घेरने के लिए आपको जो रिम है उसमें जो ये हप है, हप में जो हमारी तीलिया है इन्हें आप अच्छी तरीके से सीधा कर लीजिए। ये हमारी तीलिया है, ये हमारा हप है, ये हमारा ये गिर गया था तो हमारी जो तीलिया है इंगे तिंगे बिखर गई, तो इन्हें आपको आसानी से सीधे कर लेने हैं बड़ी सावधानी से। जो इस बात का ध्यान रखें आपकी जो तीली है ये मुड़े ना, ये सीधी ही रहे, मुड़ने से कुछ दिक्कत आ सकती है दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं कि एक तीली हमारी मुड़ गई है, तो आपको थोड़ा सा इस तरीके से सीधा कर सकते हैं। हमारी सीधी हो गई है क्योंकि हब गिरने की वजह से तीली हमारी एक मुड़ गई थी। तो ये देख सकते हैं आपको मेन पॉइंट ये है, ये आपको जो है ये 6 तीली पकड़नी है आपको, 3 नीचे की और 3 ऊपर की। देख सकते हैं आप एक तीली हमारी नीचे की हो गई कैप, और एक तीली हमारी ऊपर की कैप हो गई, और एक तीली नीचे की कैप, एक तीली ऊपर की कैप। तो दोस्तों कुल मिला के 6 तीली आपको पकड़नी है। उसके क्या करना है, 2 तीली इंगली कैप की छोड़ देनी है, और 2 तीली नीचे कैप की, 2 तीली ऊपर की कैप की, और 2 तीली आपको पकड़नी है, एक नीचे कैप की और एक ऊपर की कैप की दोस्तों। कुछ इस तरीके से 2 तीली पकड़ने के बाद आपको इसका जो है ब्रिज बना लेना है इस तरीके से, और उसमें जो है निपिल इंस्टॉल कर देना है दोस्तों। यह जाल घेरने का बिल्कुल सिंपल तरीका है जो हम आपको बता रहे हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से इस
तरीके से आप अपने अगले रिम में जाल गिर सकते हैं दोस्तों। जो पिछले रिम का तरीका है वो इससे है तो ऐसे ही, थोड़ा सा उसमें जो है इसमें 6 तीली पकड़नी है और उसमें 8 तीली दोस्तों। तो फिर ये देख सकते हैं, ये हमारी तीली एक नीचे की और एक ऊपर की, इसी तरीके से आपको पकड़ के जानी है। देख सकते हैं ये हमारी जो तीली है ये ऊपर की कैप की हो गई और ये नीचे की कैप की हो गई दोस्तों। इसी तरीके से आपको तीली पकड़नी है, ये देख सकते हैं। और फिर दूसरी तीली भी आपको ऐसी पकड़नी है, एक नीचे की कैप की, ये देख सकते हैं ये ऊपर की कैप की है, और ये देख सकते हैं ये नीचे की कैप की है। तो इस तरीके से आपका ये जाल है बहुत आसान से गिर जाएगा। ये देख सकते हैं ये हमारा ब्रिज बन चुका है। नीचे ये ऊपर की कैप की है दोस्तों, जो ऊपर की कैप की है उसे ऊपर ही रखना है आपको तीली को, और नीचे की कैप की है उसे आपको नीचे ही रखना है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये हमारी ये जो तीली है ये नीचे कैप की है तो ये नीचे की साइड में ही जाएगी, और जो ऊपर की कैप की है ऊपर की साइड में जाएगी। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों जाल गिरने का तरीका, आप बिल्कुल आसानी से यदि इस वीडियो को देखेंगे तो सीख जाएंगे। देख सकते हैं सिंपल तरीके से आपको ऐसे ही जाल गिरना है दोस्तों। ये देख सकते हैं नीचे की कैप की जो है नीचे रखनी है और ऊपर की कैप की ऊपर रखनी है। बिल्कुल सिंपल है, आप घर पर ही बड़ी आसानी से जाल गिर सकते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं हमारा जो नीचे का जाल है वो कंप्लीट हो चुका है, और दूसरी साइड का भी आपको ऐसे ही गिरना है। 6 तीली आपको पकड़नी है, ये देख सकते हैं एक नीचे की कैप कर, एक ऊपर कैप की, फिर एक नीचे की कैप की, फिर एक ऊपर कैप की दोस्तों। और 2 तीली आपको ऊपर कैप की छोड़ देनी है, 2 तीली नीचे कैप की छोड़ देनी है, देख सकते हैं इस तरीके से। और 2 तीली आपको पकड़नी है, एक नीचे कैप की और एक ऊपर कैप की दोस्तों। ये देख सकते हैं हमारा जाल गिर के कम्प्लीट हो चुका है, और सारी तीली इसी तरीके से बनी हुई है, इसी तरीके से जोड़ा बना हुआ है। आप देख सकते हैं एक नीचे कैप का और एक ऊपर की कैप का दोस्तों, 6 तीलियों से जाल गिरता है दोस्तों। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से आप इसकी लहक कैसे निकाल सकते हैं, लहक और डबल का प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे दोस्तों।